हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आरपी यादव। आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के एक मेजर टॉपिक की, जिसका नाम है एनिमल ब्रीडिंग। तो लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस किया था कि जो एनिमल ब्रीडिंग है वो कितना इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर आपके जो टोटल मार्क्स आपके आते हैं, 5 जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो अकेले ब्रीडिंग चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे ब्रीडिंग के टाइप्स की और उसका यूज़ अपन किस प्रकार अपने जो लाइव स्टॉक की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने में कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एनिमल ब्रीडिंग है वो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि मेल और जो फीमेल है उनको क्या करवाते हैं, अपन मैटिंग करवाते हैं। और ये जो दोनों मेल और फीमेल होते हैं, इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, यानी इनका जो परफॉर्मेंस होता है, उससे बेटर परफॉर्मेंस है जो इसकी प्रोजेनी में होता है, जिसको अपन बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। और इस जो प्रोसेस का होता है कि जो पेरेंट से बेटर अगर उसकी प्रोजेनी होती है तो उसको बोलते हैं अपन हाइब्रिड विगर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के इस टॉपिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है अपना ब्रीडिंग। देखिए, ब्रीडिंग की अगर अपन बात करें तो ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल होता है, मेल का किससे करवाते हैं क्रॉस, फीमेल से, और इससे क्या बनती है आपकी प्रोजेनी। अब देखिए, यहाँ पे अपन बात करेंगे कुछ टर्म्स की। तो यहाँ पे जो मेल है इसको इस एनिमल हस्बेंड्री के जो लैंग्वेज है इसमें क्या बोलते हैं, और फीमेल को क्या बोलते हैं, और इसकी प्रोजेनी को क्या बोलते हैं। तो इसको जो मेल होता है इसको बोलते हैं सायर, ठीक है। अब ये आगे काम आएगा, इसको बोलते हैं डैम और इसको बोलते हैं अपन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि मेल है इसको यहाँ पे अपन एनिमल हस्बेंड्री में जो टर्मिनोलॉजी है उसमें अपन क्या बोलते हैं, सायर बोलते हैं। और इसमें जो फीमेल होती है यानी मदर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, डैम बोलते हैं। और जो प्रोजेनी होती है, इनकी संतान जो होती है, उसको बोलते हैं ऑफ स्पेरिंग। देखिए, यहाँ पे अपन बात करें तो इसमें अपन ब्रीडिंग किसको बोल रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, मैटिंग करवा रहे हैं मेल और फीमेल की, ताकि अपन बेटर क्वालिटी की जो प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पे देखिए, अपन देखते हैं कि ये जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो एनिमल्स हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अपन करते हैं। अब क्वालिटी की अगर अपन बात करें तो क्वालिटी जो प्रोडक्शन से अपन ले रहे हैं डिपेंड करता है एनिमल पे। किसी को अपन मीट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी को वूल के लिए कर रहे हैं, तो किसी को मिल्क के लिए कर रहे हैं। लेकिन अपना जो ओवरऑल ऑब्जेक्ट ये रहता है कि अपन जो मेल और फीमेल जो पेरेंट है उनसे जो क्रॉसिंग करवाते हैं तो जो प्रोजेनी है वो अपने को बेटर यील्ड देने वाली होनी चाहिए, ये अपना ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन बात करेंगे कि ये जो प्रोड्यूस करेंगे वो हाई क्वालिटी और प्रोडक्टिव हो, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी हो, और दूसरी चीज़ क्वांटिटी है वो भी। तो इसमें अपन जो सूटेबल एनिमल्स अपन चूज करते हैं ताकि वो बेटर से बेटर परफॉर्मेंस अपने को दे सके। तो इसमें अपन देखते हैं कि प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी, और क्या देखते हैं अपन इसमें, सब्सिक्वेंट ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन देखते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपन जो मेल और फीमेल गेमेट्स जो पेरेंट है उनका जो क्रॉस करवा रहे हैं तो उनका ऑब्जेक्ट ये रहता है कि जो प्रोजेनी जो अपने को मिलेगी तो वो अपने को एक तो प्रोडक्टिव मिले, ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका जो फिनोटाइप है वो अपने को बेटर से बेटर मिले। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रीडिंग। और अपन इस लेक्चर में बात कर रहे हैं एनिमल ब्रीडिंग की, तो एनिमल ब्रीडिंग से ही कोरिलेट करना है, अदरवाइज में इसको नहीं लेना है। अब देखिए, यहाँ पे बात करेंगे अपन साइंटिफिक ब्रीडिंग का जो ऑब्जेक्ट है उसमें अपन किस नीड के आधार पे अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अपन क्रॉसिंग करवा रहे हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पे अपन बात करें कि जो आपकी प्रोजेनी है वो बेटर परफॉर्मेंस दे। अब बेटर परफॉर्मेंस कैसे किस प्रकार दे सकती है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मिल्क की, यानी कि जो प्रोजेनी हो वो प्रोडक्टिव हो, जो पेरेंट है उनसे ज़्यादा यील्ड है उसके मिल्क में हो। दूसरी बात करें अपन मीट, जो मीट होता है अपन जनरली जो असीप है या गोट है, या फिर अपन बात कर सकते हैं कि जो अदर एनिमल्स हैं जिसमें अपन मीट का प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो वो क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। इसी प्रकार वुल है और एग, ठीक है, जैसे अपन बात करें पोल्ट्री की तो पोल्ट्री में अपन किसके लिए क्रॉसिंग करवा रहे हैं, एग प्रोडक्शन के लिए, बेटर एग प्रोडक्शन के लिए। अब देखिए, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, अपन ने टर्म पढ़ा मैटिंग, ठीक है। मैटिंग का मतलब होता है कि मेल और फीमेल जो होते हैं उनको क्रॉस
करवाना। अब देखिए टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्स में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैटिंग की टर्मिनोलॉजी से भी पूछे जाते हैं। जैसे अपन बात करें कि आपका जो गॉट है उसमें मैटिंग की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीप में क्या बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो मैटिंग है उनको जनरली अपन दो तरीके से है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल और मैटिंग और दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेचुरल का मतलब होता है कि जो एंशियंट पीरियड से जो चलता आ रहा है उसी प्रोसेस से अपन क्या करवाते हैं, इसमें मैटिंग करवाते हैं। दूसरा अपन बात करें जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है और इसके बीच में थोड़ा सा एक प्रॉफिट है कि अपन आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन होता है उसको एवरी टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या जो बेटर से बेटर क्वालिटी है उसके जो मेल होते हैं उसका जो सीमन है वो अपन ले यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। जबकि इसमें अगर अपन बात करें तो जो आपके यहाँ इंडिया में जो अवेलेबल है मेल उन्हीं से अपन मेटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका काफ़ी अलग ही इम्पोर्टेंस है जिसमें अपन काफ़ी यूज़फुल इसका चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो क्या है, एक बेटर परफॉर्मेंस वाला मेथड है जिसमें अपन मोस्ट आउटस्टैंडिंग जो मेल है, ठीक है, बेटर से बेटर जो इल्ड देने वाले जो मेल है उनसे अपन सीमन वगैरह कलेक्शन करके अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अपन की, ये तो अपन ने पढ़ा कि टाइप्स कि किस प्रकार से अपन मैटिंग करवाए, अब जो मैटिंग अपन करवाते हैं तो वो किस प्रकार जनरेशन टू जनरेशन जो इसमें गैप रहता है या फिर किस प्रकार से हैं, किस टाइप से अपन मैटिंग करवा सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अपन बात करेंगे सिस्टम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, और लास्ट ईयर यहीं से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो जो ब्रीडिंग होता है उस सिस्टम की अगर अपन बात करें तो वो दो टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट है इन ब्रीडिंग, ठीक है, फर्स्ट होता है इन ब्रीडिंग और दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग। अब देखते हैं अपन इन ब्रीडिंग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि इन ब्रीडिंग जो होता है उसमें जो अपन क्रॉस करवा रहे हैं, मेल और फीमेल का जो क्रॉस करवा रहे हैं वो आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो मेल और फीमेल का जो अपन क्रॉस करवा रहे हैं वो आपस में 4 to 6 जनरेशन का डायरेक्ट उनसे क्या होता है, लिंक होता है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि इनब्रीडिंग क्या है कि जो 4 to 6 जनरेशन के रिलेटेड एनिमल्स होते हैं उनके बीच में अपन क्रॉस जो करवाते हैं उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इनब्रीडिंग, ठीक है। अब देख लीजिए इसको थोड़ा सा, इट इज़ अ मेथड ऑफ मैटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल, ठीक है। यानी कि इसमें जो अपन मेल और फीमेल ले रहे हैं वो आपस में क्या है, रिलेटेड है, और या वो क्या है, कॉमन एंसेस्टर विद इन 4 to 6 जनरेशन। यही मैंने बताया आपको कि जो मेल और फीमेल अपन चूज कर रहे हैं उनका डायरेक्ट रूप से क्या होता है, लिंक होता है, संबंध होता है, ठीक है। उनके बीच में अगर अपन क्रॉस करवाते हैं, मैटिंग करवाते हैं, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं अपन, इन ब्रीडिंग, ठीक है। और इन ब्रीडिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि जो होमोजेनेसिटी है, होमोजेनेसिटी है वो तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और हेटरोजेनेसिटी है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे इन ब्रीडिंग के टाइप की। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि जो कॉमन एंसेस्टर है या जो रिलेटेड इंडिविजुअल है जिनका आपस में 4 to 6 जनरेशन क्या है, डायरेक्ट संबंध होता है, उनको क्या बोल रहे हैं अपन, इन ब्रीडिंग, ठीक है। दूसरा होता है आउट ब्रीडिंग, जो अपन आगे पढ़ेंगे, जिसमें 4 to 6 जनरेशन तक जो एनिमल्स हैं, मेल और फीमेल है, इनका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग। तो बेसिकली कितना टाइप हो गए, पहला हो गया इन ब्रीडिंग, दूसरा क्या हो गया, आउट ब्रीडिंग। अब अपन ने बात की, इसके भी टाइप होते हैं जिसमें अपन बात करेंगे कि जो इन ब्रीडिंग होती है वो 2 टाइप्स की होती है। जनरली कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है, जिसमें पहला है वो है क्लोज ब्रीडिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे, यहाँ पर ने बात की कि ये कॉमन एंसेस्टर होती है, 4 to 6 जनरेशन का इनका क्या होता है, संबंध होता है। अब पहला जो है वो क्लोज ब्रीडिंग, इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं, मेल और जो फीमेल होते हैं, वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब क्लोजली रिलेटेड किस प्रकार, इसमें अगर अपन बात करें तो वो उनके जो करेक्टरिस्टिक है उसमें 50% से ज़्यादा उनमें क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे कि अपन बात करें, यहाँ पे अपन जो ब्रीड ले रहे हैं वो सेम ब्रीड की ले रहे हैं, और इसमें जो आपस में क्रॉस करवा रहे हैं वो इसमें अपन इसको ब्रदर से, सिस्टर से करवा रहे हैं। इसी प्रकार सायर
टू हिज डॉटर। शायर मैंने बताया किसको बोलते हैं, जो मेल होता है उसको बोलते हैं शायर इसकी लैंग्वेज में, और डैम टू हर सन। यानी कि जो इंडिविजुअल अपन ले रहे हैं, मेल और फीमेल ले रहे हैं, वो आपस में कितने परसेंट्स हैं, 50% जो है उससे ज़्यादा आपस में क्या है, रिलेटेड है करेक्टरिस्टिक में, उनके बीच में अगर अपन क्रॉस करवा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोज ब्रीडिंग। ठीक है, इस प्रकार आगे अपन देखते हैं दूसरा जो इसका टाइप है वो है लाइन ब्रीडिंग। अब देखिए लाइन ब्रीडिंग में अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, मेटिंग ऑफ मोर डिस्टेंटली रिलेटेड, इसका मतलब होता है दूर का, उसमें क्या था क्लोजली रिलेटेड था, इसमें क्या है डिस्टेंटली, यानी कि थोड़ा सा इसमें रिलेशन जो है वो कम होता है, यानी 50% से कम उसमें करेक्टरिस्टिक है वो मिलते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें इसमें, देखिए ये आपको पूछा जाता है कि इसमें कितने परसेंट से कम और कितने परसेंट से ज़्यादा रिलेशन होता है, तो जिसमें 50% से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं उनके बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोज ब्रीडिंग, और 50% से कम रिलेटेड है उसको क्या बोलते हैं अपन, लाइन ब्रीडिंग। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें इसको अपन जो कज़िन ग्रांड पास होते हैं उनसे क्या करवाते हैं, ग्रांड ऑफ स्पेयरिंग, यानी कि रिलेशन में रिलेशन जो होता है उसके मध्य क्या करवा रहे हैं अपन, इसमें क्रॉसिंग करवा रहे हैं, जिसमें हाफ ब्रदर टू हाफ सिस्टर, ठीक है, या फिर जो ग्रांड पेरेंट्स होते हैं उनके जो स्पीसीज होती है इनकी जो ऑफ स्पेयरिंग होती है उनके बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको कज़िन ब्रीडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, रिलेटेड है लेकिन ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, 50% से कम रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें 4 to 6 जनरेशन में तो उनका किसी न किसी प्रकार आपस में क्या है, लिंक है, किसी न किसी प्रकार रिलेटेड होते हैं। तो ये अपन ने बात की कि इनब्रीडिंग में क्या होता है कि इनब्रीडिंग जो इनब्रीड्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन जो होता है वो क्लोजली या दूर का रिलेशन होता है लेकिन रिलेशन होता है, इस प्रकार के जो क्रॉस करवाते हैं उनको बोलते हैं अपने इनब्रीडिंग। और एक टर्म सुना होगा आपने इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि होमोजेनेसिटी अगर किसी स्पीसीज में बढ़ जाती है तो इसके कारण इसके कई दुष्परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं अपने इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब देख लेते हैं इसके कुछ एडवांटेज, जिसमें अपन जो प्योर ब्रीड बनाते हैं, ठीक है, वो अपन क्या कर सकते हैं इसमें बना सकते हैं कि वो 100% क्या हो, प्योर बने। दूसरा है इसमें जो हेटरोजेनेसिटी है वो डिसिमिलिटी है उसको क्या कर सकते हैं रिड्यूस, और होमोजेनेसिटी को क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो ऑफ स्पेयरिंग होगी वो सेम कैसे होगी पेरेंट के लगभग, अगर अपन लगातार इसमें क्रॉस करवाते हैं तो प्योर लाइन जो है वो अपन मेंटेन इसमें कर सकते हैं। दूसरा अपन बात करें इसके डिसएडवांटेज के, देखिए कुछ चीज़ें अगर प्रॉफिट वाली होती है तो उससे कुछ नुकसान भी होता है, इसी प्रकार इसमें बात करें अपन डिसएडवांटेज की तो डिसएडवांटेज देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि जो विगर होता है, विगर का मतलब होता है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी, वो क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है। साइज की अपन बात करें हाइट जो होती है जनरली वो होती है कम हो जाती है, ठीक है, और प्रोडक्शन और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इनब्रीडिंग का जो नुकसान है वो इस प्रकार है कि लगातार जो है अपन सेम स्पीसी सेम जो ब्रीड है उसको उसकी उसी के पेरेंट से अपन क्रॉस करवाते हैं तो उनकी हेटरोजेनेसिटी जो है वो कम हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि वो एनवायरमेंटल जो फैक्टर है उनसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ आपको डिसएडवांटेज देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे अपन आउटब्रीडिंग। ठीक है, अब देखिए लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनब्रीडिंग मैंने बता दिया कि जो 4 to 6 जनरेशन है उनके बीच में अपन क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया आपका आउटब्रीडिंग, जिसमें अपन बात करेंगे कि जो मैटिंग अपन करवा रहे हैं मेल और फीमेल जो चूज कर रहे हैं वो आपस में किसी प्रकार 4 to 6 जनरेशन में रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि जो मैटिंग करवाते हैं मैटिंग बिटवीन अनरिलेटेड स्पीसीज, अनरिलेटेड जो पेरेंट होते हैं उनके बीच में अपन क्या करवाते हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, और वो किसी भी प्रकार से 4 to 6 जनरेशन में आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार का जो क्रॉस होता है उसको बोलते हैं अपन आउट ब्रीडिंग। और इसमें क्या होता है होमोजेनेसिटी है वो कम होती है और हेटरोजेनेसिटी है वो क्या होती है इंक्रीज। अब देख लेते हैं इसके कुछ टाइप्स, जिसमें सबसे पहला है वो है आउट क्रॉसिंग। लास्ट ईयर यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि आउट क्रॉसिंग है वो क्या होता है। अब देख लेते हैं मैटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल प्योर ब्रीड विथ देयर सेम ब्रीड।
यानी कहने का मतलब ये कि अपन जो क्रॉस करवा रहे हैं वो सेम ब्रीड में करवा रहे हैं, लेकिन उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, यानी कि अनरिलेटेड है आपस में, जिस प्रकार साहीवाल क्रॉस साहीवाल। तो ब्रीड क्या है इसमें, सेम है, लेकिन ये साहीवाल है और ये साहीवाल है, इनके जो आपस में जो पेरेंट है इनके बीच में 4 to 6 जनरेशन का क्या है, गैप है। तो ये किसी भी प्रकार से इससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। इस प्रकार का जो क्रॉस होता है उसको बोलते हैं अपन आउट क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं उसको, आउट क्रॉसिंग, यानी कि मैटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स जो आपस में 4 to 6 जनरेशन के रूप बीच में कोई उसमें रिलेशन नहीं होता है और सेम ब्रीड में अपन क्रॉस करवा रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, आउट क्रॉसिंग। इसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग की, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो अपन क्रॉस करवा रहे हैं वो अपन 4 to 6 जनरेशन का गैप रखते हुए करवा रहे हैं, लेकिन डिफरेंट ब्रीड में करवा रहे हैं। यहाँ पे ब्रीड क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, और स्पीसीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको बोलते हैं अपन क्रॉस ब्रीडिंग। यहाँ पे देख लीजिएगा, मैटिंग ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स इन सेम स्पीसीज। स्पीसीज क्या है इसमें, सेम है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रीड्स हैं वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, ठीक है। जैसे कि अपन बात करेंगे आगे इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रॉस ब्रीड्स हैं इनमें से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं आगे कि अपन क्या कर रहे हैं, इसमें स्पीसीज सेम है लेकिन क्या है इसमें जो ब्रीड्स हैं वो क्या है, डिफरेंट। अब देख लेते हैं अपन काऊ के बारे में। तो काऊ की अगर अपन बात करें तो काऊ में जो क्रॉस ब्रीड्स हैं जिसमें है, पहला है करण फ्रीज, ठीक है, दूसरा है करण स्विस, फ्रिजवाल और जर्सिद। अब यहाँ पे अपन बात करें, पहली जो इसमें ब्रीड है वो है होलिस्टीन फ्रीजियन और उसका क्रॉस करवाया गया है थारपारकर से। तो दोनों है तो काऊ ही ना, क्या है, दोनों ही काऊ है, तो स्पीसीज क्या हो गई इसकी, सेम हो गई, लेकिन इसमें ब्रीड्स क्या है, डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ये क्रॉस ब्रीड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2018 में पूछा गया है आपके IBPSSO में। इसी प्रकार करण फ्रीज है, ब्राउन स्विश और साहीवाल के बीच में क्रॉस करवा के बनाई गई है, ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है। फ्रिजवाल की बात करें, होलिस्टीन फ्रीजियन और साहीवाल के क्रॉस से बनाई गई है। इसी प्रकार जर्सिद की बात करें तो जर्सी और रेड सिंधी है उनके बीच में क्रॉस करवा के ये ब्रीड बनाई गई है। तो यहाँ आपको ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में काफ़ी बार जो है वो रिपीट भी होते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें बफेलो में, तो बफेलो की एक हाइब्रिड है मेहसाना, कौन सी है, मेहसाना, जिसमें मुर्रा और सूरती का क्रॉस करवा के ये ब्रीड बनाई गई है। तो इसमें स्पीसीज जो है वो सेम है लेकिन ब्रीड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ये भी जो आपका WO का एग्जाम है उसमें पूछा गया है, ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे बात करते हैं सीप की ब्रीड की। तो सीप की अगर अपन बात करें तो कुछ हाइब्रिड्स हैं इसके भी, क्रॉस ब्रीड अपन जिसको बोलते हैं, अविकालीन है, ठीक है, अविकालीन के पेरेंट्स पूछे जाते हैं, जिसमें रैम्बुलेट और मालपुरा जो है उनके बीच में क्रॉस करवा के बनाई गई है। अविवस्त्र है वो रैम्बुलेट और चोकला जो है उनके बीच में बनाई गई है। इसी प्रकार बात करें अपन हिसारडेल, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता रखना है कि हिसारडेल है वो किसकी ब्रिड है, वो है आपकी सीप की। तो हिसारडेल है वो रैम्बुलेट और बीकानेरी जो नस्ल है उनके बीच में क्रॉस करवा के बनाई गई है, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा क्रॉस ब्रीडिंग। अब बात करते हैं अपन थर्ड जो है इसका टाइप, वो है क्रीज क्रॉस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अपन जो ब्रीड्स होती है टू ब्रीड्स चूज करते हैं और उनका अल्टरनेटिवली अपन क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो इसको अपन जो है अल्टरनेटली जो करवा रहे हैं क्रॉस, इसको बोलते हैं इसको क्रीज क्रॉस, ठीक है। इसी प्रकार बात करें अपन ट्रिपल क्रॉस, तो ट्रिपल क्रॉस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें अपन क्या करवा रहे हैं, 3 ब्रीड्स लेंगे और उनका अल्टरनेटिवली अपन क्रॉस करवाते हैं, यानी रोटेशनल मैनर में अपन इसको क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। F1 का जो है अपन फर्स्ट पेरेंट से करवाते हैं, फिर सेकंड से करवाते हैं, फिर थर्ड से करवाते हैं। तो इस प्रकार इसमें टोटल जो ब्रीड्स होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, और इसको क्रॉस जो करवा रहे हैं वो रोटेशनल मैनर में करवा रहे हैं। तो यही मेथड है जिसमें अपन बात करें प्रोजेनी और जो उसके पेरेंट्स हैं उनके दोनों के जो यूटिलाइजेशन के जो गुण होते हैं, यूटिलाइजेशन जो जिनका होता है तो वो यूज़ होते हैं।
अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम टू स्पाइसीज, जो टू स्पीसीज होती है जिसमें स्पीसीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इसको क्या बोलते हैं अपने, इंट्रा और इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं। अगर स्पीसीज जो है वो सेम है तो इंटर बोल देंगे, और अलग अलग है ठीक है तो उसको क्या बोल, अगर सेम है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इंट्रा बोलेंगे, और डिफरेंट था तो क्या बोल देंगे, इंटर। तो इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका एग्जांपल है म्यूल, जिसमें क्या है स्पीसीज जो है वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, जिसमें हॉर्स हॉर्स फीमेल और मेल जो है वो डंकी यूज किया जाता है। अब एक टर्म आता है हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर, जैसा कि अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेनी होती है, जो संतान होती है, वो अगर पेरेंट से बेटर यील्ड देती है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो पेरेंट है उनसे भी ज़्यादा यील्ड देने वाली प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हाइब्रिड विगर, या क्या बोलते हैं हेट्रोसिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे एक और टाइप है क्रॉसिंग का, जिसको बोलते हैं अपन ग्रेडिंग अप। ये भी लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम है 18-19 उसमें पूछा गया है ग्रेडिंग अप क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो मेल और फीमेल का जो क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या ले रहे हैं मेल और फीमेल ले रहे हैं, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें अपने को फीमेल जो है उसका पता नहीं रहता है वो कौन सी ब्रिड है, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, इसमें कोई पता नहीं रहता है। लेकिन जो मेल होता है उससे इसका जो क्रॉस करवाते हैं तो इसका अपने को पता रहता है, मेल जो है वो प्योर रहता है इसमें, और फीमेल जो है उसका कोई पता नहीं होता है इसके पेरेंट कौन है, वो कौन सी ब्रिड है। तो अपन क्या करवाते हैं कि ये जो मेल होता है तो इसकी जो संतान होती है, इन दोनों की जो संतान होती है, इनको बार बार इसके मेल से क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है। यानी कहने का मतलब इसको ऐसे समझो आप कि मेल और फीमेल का अपन क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगी प्रोजेनी। तो अब जो प्रोजेनी बनी है जनरली क्या होता है 50% इसके करेक्टरिस्टिक आएंगे, 50% इसके आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पता नहीं है कि ये जो ब्रिड है वो कौन सी है। तो आप क्या करवाते हैं कि ये जो ब्रिड है इसके टोटल 100% जो है इसमें करेक्टर आए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसकी जो प्रोजेनी होगी, इसकी जो प्रोजेनी होगी उसको लगातार इस मेल पेरेंट से क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो अभी मैंने बात की थी आपको कि इसकी जो प्रोजेनी होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑफ स्पेरिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो नॉन डिस्क्रिप्टिव मेल और नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल जो होती है उसकी जो संतान होती है, तो उसकी जो मेल होता है उससे लगातार क्या करवाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं। तो लगभग 6 या 7 जनरेशन बाद में जो आपको यहाँ से जो प्रोजेनी प्राप्त होगी वो 100% कौन सी होगी, जिस ब्रीड का ये मेल अपन ने लिया था। इसमें फीमेल जो है उसके सारे जो करेक्टरिस्टिक है वो इस मेल द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो ये आपने नाम सुना होगा नस्ल सुधार, जिसमें अपन वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं जनरली उनकी जो फीमेल्स होती है तो उनसे अपन अच्छी ब्रीड के जो प्रोजेनी है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये लास्ट ईयर जो है यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था। देखिए यहाँ पे अपन बात करें पीजी में पूछा गया है द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, समझना इसको आराम से, द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग सायर यानी क्या होता है मेल ऑफ ए गिवन ब्रीड टू नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल, जैसे कि मैंने बताया कि जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, एंड देयर ऑफ स्प्रिंग फॉर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि जो नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल है उसका क्रॉस किससे करवा रहे हैं अपन, एक सायर से करवा रहे हैं, और वो कितनी बार करवा रहे हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और उसका जो टारगेट होता है वो ये होता है कि प्योर ब्रिड है उसको प्रोड्यूस किया जा सके। ये क्या होता है आपका ग्रेडिंग अप होता है। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है नॉन डिस्क्रिप्टिव काउ और जर्सी बुल। अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि इसमें अपने को जो मेल है इसका पता है कि कौन सी ब्रिड का है, तो क्या हो गया जर्सी का। फीमेल जो है उसका कोई पता नहीं है, ठीक है, काऊ का जो पता नहीं है वो कैसी है, नॉन डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे F1 में, यानी जो प्रोजेनी होगी उसमें 50% तो क्या होंगे गुण किसके होंगे, नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ के होंगे, और 50 किसके होंगे आपका जो जर्सी बुल है उसका होगा।
ठीक है, वापस से क्या करवा रहे हैं इसको, ये जो प्रोजेनी आई इसका वापस से किससे करवा रहे हैं, क्रॉस जर्सी बुल से करवा रहे हैं। इसी प्रकार अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 50% थे वो कितने हो गए, 25 हो गए। तो यहाँ पे जो नॉन डिस्क्रिप्टिव है उसके तो कितने हो गए, 25, लेकिन यहाँ पे जो जर्सी बुल है इसके कितने हो गए, 75। वापस से क्या करवा रहे हैं, क्रोश करवा रहे हैं। इसी प्रकार अपन बात करेंगे आगे, तो यहाँ पे अपन देखिए, यहाँ पे जो 25 है यहाँ पे 75 हो रहे हैं, वापस से क्या करवा रहे हैं अपन, उसी मेल से अपन क्या करवा रहे हैं, क्रॉस। तो यहाँ पे जो F3 जनरेशन होगी उसमें नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ है उसके कितने हो जाएंगे, 12.5, और आपके जो जर्सी बुल है इसके कितने हो जाएंगे, 87.5। वापस से क्रॉस करवा रहे हैं। तो इस प्रकार अपन क्या करवा रहे हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो मेल है प्योर उससे क्रॉस करवा रहे हैं। तो लगभग 6 से 7 जनरेशन के बाद में जो ऑफ स्पेयरिंग होगी वो क्या होगी, 98.44 to 99.22% क्या होगी, प्योर होगी। ठीक है, तो ये जो प्योर ब्रिड है वो इस प्रकार अपन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्योर ब्रिड जो होगी वो डिजायरेबल होगी इस बात का कोई गारंटी नहीं होता है। इसलिए जो अपन होमोजेनिसिटी, होमोजेनिक जो एनिमल्स होते हैं वो एनवायरमेंटल के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वो हर प्रकार के जो एनवायरमेंट है उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। एक टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार भी पूछा जाता है कि आपकी इस जनरेशन में G1, G2, G3, तो इस प्रकार अपन ने बात की, लगभग G7 या 6 तक टाइम लगता है तब जाके प्योर ब्रिड बनती है। तो इसमें देखिए दो चीज़ें आपको पूछी जा सकती है कि कितने परसेंट जो करेक्टर है वो रिप्लेस हो जाते हैं, और कितने परसेंट करेक्टर जो है वो नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ के उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है, यहाँ पे यह है परसेंटेज ऑफ नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ, और दूसरा जो प्योर मेल अपन ने लिया है उसके द्वारा रिप्लेस होने वाले। यहाँ पे बात करेंगे अपन जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन की अपन बात करेंगे, तो जिसमें क्या होता है, 50% जो करेक्टर है वो किसके आएंगे, नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ के आएंगे, और 50% ही किसके आएंगे, प्योर मेल के आएंगे। वापस से इसकी जो प्रोजेनी होगी उसको वापस से किससे करवाएंगे, इस मेल से क्रॉस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे 50% यानी इसका 50% कितना हो जाएगा, 50 ही तो बचे ना, उसका 50% कितना हो जाएगा, 25। तो 25 और इसका क्या हो जाएगा, 50% का 50% ऐड हो जाएगा। तो इधर वैल्यू बढ़ती जाएगी और इधर वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो आपको इनमें से कहीं भी पूछ सकते हैं, जैसे कि अपन बात करें कि G5 जो होती है, जनरेशन 5 में नॉन डिस्क्रिप्टिव काऊ का कितना परसेंट या कितने करेक्टरिस्टिक है वो आपकी प्रोजेनी में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर आपको क्लिक करना है। ये लगभग 2012-13 के लगभग ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन PrePG में पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जनरेशन जो है, ये जो करेक्टरिस्टिक है वो इसके द्वारा रिप्लेस हो रहे हैं, लेकिन कितने परसेंट जो है वो रिमेनिंग होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लास्ट जो 7 जनरेशन होगी उसमें इतने परसेंट किसके गुण होंगे, नॉन डिस्क्रिप्टिव के, और इतने कितने इसके कितने होंगे, वो 99.22% किसके होंगे, आपका जो प्योर मेल है वो आपने चूज किया था। तो ये आपको टेबल, इसके द्वारा अपन जो किसी भी नॉन डिस्क्रिप्शन जिसका कोई अता पता नहीं होता है उस फीमेल से अपन प्योर जो ब्रिड है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का मेथड कौन सा है आपका, ग्रेडिंग अप। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में आप अगर उठा के देखेंगे पेपर तो 1 या 2 क्वेश्चन एनिमल ब्रीडिंग है उसमें से पूछे ही जाते हैं, जिसमें आपको सीधा सीधा पूछा जाता है लेकिन आप उसको क्लियरिफाई नहीं कर पाते हो कि इसमें जो लैंग्वेज है उसमें सायर डैम ये सब कुछ थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसमें मेल को क्या बोल रहे हैं, सायर बोल रहे हैं, फीमेल को डैम बोल रहे हैं, और ऑफ स्पेयरिंग किसको बोल रहे हैं, उसकी प्रोजेनी को। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया, और इसके अलावा अपन जब टेस्ट जब आपका होगा तो उसमें क्वेश्चन आपको और वहां इसको देखने को मिल जाएंगे। तो धन्यवाद।